नर्मदा नदी के पास कंचनबटी नाम का एक नगर हुआ करता था। वहाँ राजा मलयकेतु का शासन था। कंचनबटी नगर के पास बालूहटा नामक जगह थी, जिसके पास एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक चील और एक गीदड़ रहते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। महिलाओं को जितिया व्रत रखता देख उन दोनों ने भी प्रण लिया कि वो भी इस व्रत को रखेंगे। चील और गीदड़ ने श्री जीवतवाहन भगवान को मन में याद कर कहा कि हम आपकी पूजा और व्रत पूरी विधि के साथ करेंगे। व्रत का दिन आते ही चील और गीदड़ दोनों ने व्रत आरंभ किया, लेकिन पास में ही किसी धनवान व्यापारी की मौत हो गई थी और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे बालूहटा लाया गया। व्रत के दिन गीदड़ ने मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उसके मन में उस मांस को खाने की अभिलाषा जागी। वो खुद को रोक ना पाया और मांस खाकर व्रत खंडित कर दिया। उस व्यापारी के शव को चील ने भी देखा था, लेकिन उसने व्रत के कारण उसे नहीं खाया। इसके कुछ समय पश्चात चील और गीदड़ दोनों का अगला जन्म हुआ, जिसमें वो दोनों कंचनबटी के भास्कर नामक ब्राह्मण के घर में बेटी के रूप में पैदा हुई। चील का जन्म बड़ी बहन नाम शीलवती और गीदड़ का जन्म उसकी छोटी बहन नाम कपूरावती के रूप में हुआ। शीलवती की शादी बुद्धिसेन नामक लड़के से हुई और कपूरावती की शादी कंचनबटी के राजा मलयकेतु से हुई। बड़ी बहन शीलवती को 7 पुत्र हुए, तो वहीं छोटी बहन कपूरावती को संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाया। कपूरावती के घर जितनी भी संतानें हुई वे उसी दिन मर जाते। ऐसा होते होते कपूरावती काफी परेशान हो गई। शीलवती के 7 पुत्र कपूरावती के महल में कार्य करते थे, लेकिन कपूरावती ने जलन के कारण अपने पति को कहकर बड़ी बहन के 7 पुत्रों के सर कटवा कर उन्हें लाल रंग के कपड़े से ढककर एक बर्तन में अपनी बड़ी बहन के घर भिजवा दिया। भगवान जीवतवाहन ये सारी प्रक्रियाएं देख रहे थे। उन्होंने रास्ते में ही 7 भाइयों के सिर को धड़ से जोड़ा और अमृत पिलाकर जिंदा कर दिया और बर्तन में भगवान जीवतवाहन ने फल भर दिए। उधर कपूरावती अपनी दीदी के घर से शोक समाचार मिलने का इंतजार कर रही थी। जब संदेश नहीं आया तो वो खुद ही शीलवती के घर चली गई। वहाँ अपनी दीदी के 7 बेटों को जिंदा देख हैरान रह गई। कपूरावती ने अपनी बहन को वो सारी बात बताई जो उसने उनके बेटों के साथ की थी। बड़ी बहन शीलवती ने अपनी छोटी बहन कपूरावती को उसके पिछले जन्म के बारे में सारी बातें बताई और उसी पेड़ के पास ले गई जहां वो दोनों पहले रहा करते थे। कपूरावती का व्रत खंडित होने के कारण ये सारी दिक्कतें उसके जीवन में आई। इस बात का कपूरावती को बड़ा पछतावा हुआ और उसने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। कपूरावती के पति को जब जानकारी मिली तो उसने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार उसी पेड़ के नीचे किया। जितिया व्रत कथा से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, उनका फल भोगना ही पड़ता है।